नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। ईद के मौके पर फिर दहली बांग्लादेश की राजधानी ढाका। शोलकिया ईदगाह में नमाज के दौरान आतंकियों ने लोगों पर फेंके बम। हमले में दो कांस्टेबल की मौत, 10 से ज्यादा लोग जख्मी। पुलिस और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। चार अफ्रीकी देशों की यात्रा के पहले पड़ाव में मोजाम्बिक पहुंचे पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर हुआ मोदी का भव्य स्वागत, राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी से करेंगे मुलाकात। मोदी सरकार की मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विवादित ट्विटर अकाउंट को फर्जी बताते हुए पुलिस से की शिकायत। कांग्रेस ने अनुप्रिया पर माहौल खराब करने का लगाया था आरोप। गायक मीका सिंह के समर्थन में उतरी राखी सावंत। मॉडल के आरोपों पर मीका को बताया निर्दोष। देश भर में मनाया जा रहा है ईद का पावन त्योहार। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पीएम मोदी ने दी देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं। यूरो कप के फाइनल में पहुंचा पुर्तगाल, वेल्स को 2-0 से हराया। रोनाल्डो रहे मैच के हीरो। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।